और नेताओं को जेल में जेल में जेल में डालना चाहिए। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सैनिकों पर अटैक हुआ, उससे पूरे भारत की एक तरफ राजनीति गरमाई हुई है, एक तरफ पूरे भारत के मानव श्रृंखला एक हो चुके हैं। वो अटैक का जवाब क्या होना चाहिए, आप क्या कुछ कहेंगे? अटैक का जवाब देखिए, उसमें करके राजनीतिक तौर से तो ये जो है चल रहा है, ये हमारे जो देश के जो राजनीतिक है ये लोग सही तरीके से ईमानदारी से डिसीजन नहीं लेते। सभी वैसे देश के जो राजनीतिक हैं वो सेना के साथ होना चाहिए और उनका जो है मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। ये हम लोग कहते हैं हम बदला लेंगे, हम लोग ये इसमें करेंगे, हम ये करने जा रहे हैं, हम ये व्यापार रोकने जा रहे हैं, इससे सब कुछ होने वाला नहीं है। हमारे देश के लाल जिनके घर में एक एक बेटा है वो शहीद हो रहा है, उस तरीके से उसके साथ जो दुख है उनके साथ में उसमें बहुत ही वो है, बहुत ही दुख है, इसके लिए सहन करना बहुत मुश्किल है। और हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टी है उनको सबको एक होकर एक मत होकर के पाकिस्तान पर अटैक करना है। और आप वाकई कह रहे हैं कि अटैक करना चाहिए, लेकिन यहाँ केंद्र की राजनीति देखा जाए तो पक्ष विपक्ष इकट्ठा खड़े तो हैं, लेकिन वो पीछे टालते रहे कि पिछले कांग्रेस की सरकार में भी ऐसे हुआ, अब भी ऐसे हुआ, अब तक कोई मुंहतोड़ जवाब नहीं मिला, इससे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सह मिल रहा है। देखिए जो मैं बता रहा हूँ, जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो उनको आतंकवादियों को उनके समर्थकों का समर्थन करती है, वोट का लालच लेती है, पहले उनको भी पहले सतर्क करना चाहिए और उनको भी पहले संभालना चाहिए। और अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर उसको सपोर्ट करती है, आतंकवाद को सपोर्ट करती है, भारत के अपने देश के खिलाफ अगर कदम उठाती है और उनको सपोर्ट करती है, तो उनको सबको पहले उनका राजनीतिक जो है उनके जो है उसमें है मान्यता है वो रद्द करनी चाहिए और नेताओं को जेल में डालना चाहिए। हकीकत ईमानदारी से अगर ये कार्रवाई होगी तभी जा करके ये लोग वोट बैंक की जो राजनीतिक ये बोल सकते हैं। इस तरह की अटैक बार बार होते रहे तो क्या लगता है कि हमेशा के लिए पाकिस्तान से अपने कारोबारी संबंध तोड़ देना चाहिए? देखिए वो तो तोड़ देना चाहिए लेकिन उसका कोई वो नहीं है, उसमें करके अभी तक आपने देखा होगा काबिल युद्ध हुआ एक साथ, उसमें देश ने वैसे उस पर मुंह तोड़ जवाब दिया था, इस तरीके से उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये हम हार बांध करके केवल धमकी देते रहते हैं, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम इसका बदला लेंगे बदला लेंगे। हो सकता है हमको तो ये भी शक होता है कि इस चक्कर के अंदर जो है हम लोग अपनी मानवता दिखाते हैं और पाकिस्तान उल्टा कहीं हमारे पर अटैक न करते। यानी कि केंद्र सरकार अब भी अटैक के बाद एक तरह से राजनीति कर रही है, ना कि कोई कड़ा कदम उठा रही है। ये जो है वोट बैंक की राजनीति है इसलिए वैसे केवल कर रहे हैं, नहीं तो इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री को, उनको जब पता है कि देश उनके साथ है, पूरा देश उनके लिए ललकार रहा है, पूरा देश उनको कह रहा है चिल्ला रहा है कि इसका बदला लो, तो इसमें इस तरीके से उनको हाथ हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान के लिए। और जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक हमारे जो लाल हैं उसके ऊपर बॉर्डर के ऊपर है वो शहीद हो रहे हैं, इतने सारे शहीद हो गए, हजारों से ज़्यादा उसमें सेना के जवान वहाँ शहीद हुए हैं, घर बर्बाद हुए हैं उनके, तो उसको ये जो है बिना उसके मुंह तोड़ जवाब दिए बिना बदला लिए इसको शायद है पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। वो गद्दार है, वो बात करता है उधर प्यार की बात करता है, सलाह की बात करता है, बातचीत की, लेकिन पीछे से छुरा भोंकता है। जी हाँ, जो शहीद हुए हमारे 40 सिपाही रक्षक, उनके भरोसे उनके बलबूते ही हम शुद्ध हवा में सांस लेते हैं, शुद्ध आज़ादी के तहत रहते हैं। अगर वो हमारे सीमा पर डटे नहीं होते तो हम गुलाम हो जाते और हम कब्जे में आ जाते हैं। इसके बावजूद भी सरकार क्या कर रही है वो आपके सामने है, हमारे सामने मौजूद थे अभी प्रमोद कुमार राजपूत एटक से, दिल्ली से यह रिपोर्ट।